नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और समय चुनावी दंगल का। पदवीधर मतदार संघ 3 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और हर प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से जोर लगा रहा है। कई राजनीतिक समीकरण रोजाना बदलते हैं। हाल ही में कल सेना और भाजपा की युति नहीं हो पाई, टूटने के बजाय मैं ये कहूंगा कि नहीं हो पाई, जो युति अभी के चुनाव में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई और टूट भी रही है। कहीं इसका असर महाराष्ट्र की सरकार पर तो नहीं पड़ेगा, यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हमारे साथ में आज पदवीधर मतदार संघ के अविनाश जी, डॉक्टर अविनाश चौधरी है। उनसे जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें क्या संभावनाएं लग रही है उनके चुने के आने की, क्योंकि सामने दिग्गज खड़े हैं संजय खोड़केसरी के, कांग्रेस के महासचिव, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और साथ में राज्य के गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो कैसे इस चुनाव में अपनी भूमिका रख पाएंगे और मतदाताओं को कैसे आकृष्ट कर पाएंगे? क्या उनके पास बेसिक है इस चुनाव लड़ने के लिए? क्या योग्यता है? क्या इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जहां पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है, एक डॉक्टर व्यक्ति को इस चुनाव में किस प्रकार अनुभव प्राप्त होता है? नमस्कार। प्रश्न जो चंदूभाऊ ने विचारला खरखर रास्ता है। आता चुनाव प्रक्रियेबद्दल बोलण्याचं काही विशेष कारण नाही। आता औचित्य एवढंच आहे की आता 3 तारखेला होऊ घातलेलं इलेक्शन, त्या अनुषंगाने आम्ही 1.5 वर्षाचा जो आमचा प्रवास होता आणि अनेक वर्षापासून राजकीय क्षेत्रामध्ये आम्ही जे काम करत आलो त्याचं रुपांतर आता मतामध्ये कन्वर्टन करणे, आमच्या पदरात पाडून घेणे आणि त्या अनुषंगाने विजय प्राप्त करणे इथपर्यंत पोहोचलं आहे। म्हणून मला सांगावं असं वाटतं की बेसिकली आमचं जे युद्ध आहे ते आमच्या एक घोषवाक्याच्या मागे आहेत की संघर्ष पक्षांचा, विजय मात्र अपक्षाचा। याचं कारण असं की विधान परिषदेची जी निर्मिती घटनाकारांनी केली त्याचा मागचा त्यांचा जो दृष्टिकोन आहे तो अतिशय प्रामाणिक दृष्टिकोन की विधानसभेमध्ये निवडून जाणाऱ्या पक्षाच्या माध्यमातून जे MLA निवडून जातात त्यांच्या कार्यक्रमावर, कार्यपद्धतीवर एक अंकुश ठेवण्याकरता विधान परिषदेची निर्मिती झाली। त्या अनुषंगाने अपक्ष विचारधारेचे कोणत्याही पक्षाच्या चौकटीमध्ये न राहता स्वतंत्रपणे स्वच्छंदपणे वावरणारी मंडळी त्या व्यासपीठावर जाऊन समाजोपयोगी उपक्रम राबावे या उद्दिष्टाने त्या व्यासपीठाची निर्मिती झाली। मागील 14 महिन्यापासून आमच्या प्रवासाच्या दरम्यान आम्ही हेच लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करतोय की हे जे व्यासपीठ निर्माण केलेलं आहे अशा प्रकारच्या कोणत्याही पक्षाच्या विचारधारेमध्ये समाविष्ट नव्हता। मतदारांच्या प्रती जागरूक राहून आणि त्यांच्या ज्या गरजा आहेत त्या लक्षात घेऊन त्यांचा कार्यक्रम त्यांनी करायला पाहिजे। ना तर कोणत्या पक्षाचा व्हीप फॉलो करून, ना तर कोणत्या पक्षाच्या विचारधारेला अनुरूप अशी विधेयक त्यांनी पारित करण्याकरता मदत करावी। त्या अनुषंगाने आम्ही हा जो प्रयोग केला हा अतिशय सक्षमपणे सक्सेस झालेला आहे आणि ही विचारधारा आता अनेक लोकांपर्यंत पोहोचलेली आहे। मतदार हा पदवीधर असल्या कारणामुळे त्यांना समजून सांगायला अतिशय फार जास्त कष्ट लागत नाही आणि मागील जो प्रवास होता 65-67 वर्षाचा विधान परिषदेचा त्यामध्ये जाणारी सगळी मान्यवर मंडळी बहुतांश ही अपक्ष विचारधारेची होती, स्वतंत्र विचारधारेची होती। 6 वर्षापूर्वी ज्या पक्षांनी ते इंटरफिअर केलं होतं, आक्रमण केलं होतं, त्याचे परिणाम दुष्परिणाम आपल्याला दिसले असल्याकारणामुळे आता मतदारांचा निश्चय झालेला आहे की आज कोणत्या तरी अपक्ष माणसाच्याच पाठीशी उभं राहून आपल्याला चांगल्या प्रकारे काम करता येईल आणि त्याप्रमाणे आपली लोकशाही मजबूत करता येईल। नमस्कार। नहीं, आप जैसे आपने बताया कि ये जो विधान परिषद है ये तज्ञ लोगों के लिए स्थापित की गई ताकि जो विधानसभा है उसको सही गाइडलाइन दे सके निष्पक्ष रूप से। निष्पक्ष रूप यानी एक तो जो सही है वो निष्पक्ष का मतलब आप ये मत समझिएगा कोई पक्ष की भूमिका का विरोध करना है। नहीं, मैं निष्पक्ष में बोल रहा हूँ कि भाई आपकी विचारधारा निष्पक्ष होनी चाहिए, जनता के फेवर में होनी चाहिए। exactly. मैं राजनीतिक पार्टी का निष्पक्ष बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब आप थोड़ा समझने में कोई कहीं कंफ्यूजन हो जी, सकता जी, है। हर पक्ष में निष्पक्ष लोग रहते हैं कि हाँ, ये उचित है, निष्पक्ष की बात कर, अपक्ष की नहीं कर रहा हूँ। आप अपक्ष उम्मीदवार हो, अपक्ष उम्मीदवार लेकिन निष्पक्ष भूमिका रखूंगा। एग्जैक्टली, मैं निष्पक्ष की बात कर रहा हूँ। स्वतंत्र विचारधारा, निष्पक्ष भूमिका, जो विधान परिषद की भूमिका निष्पक्ष भूमिका, निष्पक्ष लोगों की भूमिका है, पक्ष वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन अपक्ष वाले भी जाके कहीं पक्ष के साथ में बाद में भी जुड़ जाते हैं। अभी आपने जो बताया कि इसमें है तो सारे लोग पोस्टर्स के ऊपर इस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार करके, ये शब्द कैसे है? क्योंकि अधिकृत उम्मीदवार मुझे लगता है चुनाव में अक्सर होता है उनको एक चुनाव चिन्ह मिलता है, एक बीफॉर्म मिलता है, इन सब चीजों में ये नहीं है, तो समर्थित हो सकता है, अधिकृत रूप से प्रचार किया। इसके मेरा वही पदवीधर मतदार संघ में जो लोग काम कर रहे हैं उनका अंडर नॉलेज कितना है, आपको आपके फ्लेक्स जो देख रहे हो उसमें देख रहे होगे कि वहां तीर कमान निकाला हुआ है, कमल निकाला, अनेक चिन्ह निकाले हुए,
मैं आपके माध्यम से बेसिकली आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि बेसिकली ये नॉन ब्रांडेड इलेक्शन होता है, यानी कोई सिंबॉलिक इलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए बैलेट पेपर पे आपको सिंबल नहीं मिलता है, विजय भी घोषित होता है आपका अपक्ष उम्मीदवार करके घोषित होता है, समर्थन बाय दिस सच एंड सच पार्टी ऐसा होता है। तो बेसिकली इस तरह के जो फ्लेक्स लगे हुए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने उसका खंडन विरोध करना चाहिए और हमारे कंप्लेंट का इंतजार न करते हुए सब पूरे के पूरे फ्लेक्स होर्डिंग जो लगाए हुए जिसके साथ उन्होंने सिंबल लगाए हुए उसका उन्होंने उस पर इमीडिएट एक्शन ले लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ी जानकारी यहां से जो हमें भी कई दिन से कंफ्यूजन था कि बोर्ड पे सिंबॉलिक चुनाव भी पार्टी के नाम पे वोट भी नहीं मांग सकते, आपका ऐसा कहना है कि पार्टी के नाम पे आप वोट भी पार्टी के कार्यकर्ता का उपयोग कर सकते हैं लेकिन पार्टी के नाम पर जो वोट मांगा जा रहा है, हमने देखा कई जगह कमल के पंजे के और जो सारे निशान लगे हुए हैं उनके आधार पर वोट मांगा जा रहा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि राजनीति है और राजनीति पक्ष ना हो उसमें ये कैसे हो सकता है? नहीं, राजनीति है और उसमें पक्ष नहीं है ऐसा हो नहीं सकता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसीलिए तो विधान परिषद की निर्मिति हुई है, विधानसभा में जो चुन के जाने वाले होते हैं 288 सीटें, उसमें अपने पक्ष अपने अपने भूमिका रखते हुए सत्ता स्थापित करते हैं, सत्ता परिवर्तन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पर जितना सत्ता परिवर्तन और सत्ता स्थापन होता है जो पक्ष का विजय होता है उसमें ज्यादातर मैक्सिमम 35-40% वोटिंग होता है, उसके भरोसे वो पूरी सत्ता काबिज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 35-40% के विचारधारा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन 100% लोगों पे लागू होना चाहिए। तो ये 65% जो लोग हैं जिन्होंने इनके विरोध में वोटिंग किया है पर थोड़े से स्कैटर्ड है जिसके कारण उनका ये जो समर्थन अगेंस्ट में समर्थन जो अगेंस्ट में जो भूमिका थी वो सक्षम नहीं हुई है, तो उनके प्रति सम्मान रखते हुए और उनका भी रोल होना चाहिए करके विधान परिषद की स्थापना हुई। विधान परिषद में जो लोग जाते हैं वो ये देखते हैं कि जो भी विधेयक विधानसभा से पारित हुआ है वो निष्पक्ष हो, सब लोगों के लिए हो, जरूरी नहीं कि एक विशिष्ट विचारधारा से। यदि आप चुनाव निष्पक्ष पक्ष और राजनीतिक गैर राजनीति की बात करें तो आपके सामने गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल खड़े हैं जो भाजपा के मंत्री भी है, और मंत्री का प्रभाव आप कहां तक उनके प्रभाव को मिटा पाएंगे, लोगों को कहां तक समझा पाएंगे कि भाई क्योंकि प्रभावी क्षेत्र है, निश्चित रूप से सरकारी यंत्रणा भी उनके साथ होगी ही होगी, जो भी है उपयोग भी हो रहा है, लालगाड़ी की भी यूज कर रहे हैं, मंत्री है ही अपक्ष के उम्मीदवार में मंत्री, फिर तो इसमें आचार संहिता भी नहीं लगनी चाहिए। नहीं, आप देखिएगा कि पिछले एक साल से आप देख रहे होंगे सभी चीजों का दुरुपयोग हुआ है, धन का दुरुपयोग हुआ है, करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ इधर इर्द गिर्द घूम रहा है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ फॉर्म भरने के लिए आए, शायद दानवे साहब आते तो मैं समझ पाता, मुख्यमंत्री का यहाँ फॉर्म भरने के लिए कोई रोल नहीं है। इस तरह का अनेक क्षेत्र में इवन ऑफिसर्स के भी उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनके उनके माध्यम से उन्होंने फोन नंबर मिलाना, यादी को मैनिपुलेट करना, नए फॉर्म्स गट्ठा रूप में फॉर्म समाविष्ट करना, ये सब जनता देख रही है। एंड दैट इज वाई पीपल हैव डिसाइडेड कि भाई ये 6 साल से इस आदमी निष्क्रिय रहा हुआ है, सरकार मान्य निष्क्रिय, यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड निष्क्रिय है, और इस तरह का इसका रोल है जो कि बिल्कुल ही पदवीधर और जो ग्रेजुएट लोगों के उनके लिए उनकी विचारधारा को समर्पित नहीं है। तो निश्चित तौर पर लोगों ने इसका निर्णय ले लिया कि इस आदमी का अभी आने वाले 6 साल में कोई रोल नहीं है, इसको अपन ने हद पार कर देना चाहिए। और यही स्टेटमेंट मैंने शायद आपने देखा होगा कि पिछले इंटरव्यू में भी किया था कि मेरे फाइटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूरे 5 जिले का 1.5 साल में प्रवास करने के बाद लोगों ने ठाम भूमिका रखी है कि इस बार नया फ्रेश चेहरा आना चाहिए जो निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र विचारधारा को होना चाहिए, और उसकी प्राथमिकता मतदार संघ और मतदार ही होना चाहिए, इस लोगों की भावना है। और जिस तरह से इनका विरोध हो रहा है, नए उम्मीदवार की खोज चल रही है, और निश्चित तौर पर मैं एकदम ताकत के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से मेरे को समर्थन प्राप्त हो रहा है चाहे वो पार्टियों का हो कोई पक्ष का हो, पर उन्होंने मेरे को निष्पक्ष भूमिका के माध्यम से उन्होंने समर्थन दिया और मैं उनका स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर मेरा विजय बिल्कुल निश्चित। आपने जैसा भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो रही है, आपके साथ में भी इन्वॉल्व हो रही है, पक्ष निष्पक्ष और अपना राजनीतिक पार्टी, इन पे अपनी चर्चा चल रही, चुनाव जो अभी होने जा रहे हैं, आपने जितने भी अभी सारी बातें की एक आरोप के रूप में लगाया पिछले मंत्री ने क्या काम किया क्या नहीं किया, आरोपों के आधार पर कि वो सक्षम नहीं है, इसके आधार पर आपने तो अभी कुछ बताया नहीं आप सक्षम होंगे ये काय पे से। एग्जैक्टली, इलेक्शन में दो चीजें होते हैं जिसको एंटी इनकम्बेंसी आपने देखा होगा, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है एक फ्लोटिंग वोट होता है जो हरदम हर इलेक्शन में चेंज होता है,
वो फ्लोटिंग होट जो है जिस तरह से पिछले बार माननीय मुख्य माननीय रंजीत पाटिल के फेवर में था, वो पूरा का पूरा फ्लोटिंग होट उनके अगेंस्ट में चला गया, वो मेरे लिए उपलब्धि है। नंबर दो, जिस तरह से मैं लोगों को कन्विंस कर चुका हूँ कि इलेक्शन बेसिकली जिस इंटेंशन से ये इलेक्शन बनाया गया, पोस्ट बनाया हुआ विधान परिषद की निर्मित हुई, उस इंटेंशन को मैं अभी परकोलेट कर चुका हूँ लोगों तक के कि इस इंटेंशन के साथ ही आपकी भूमिका होनी चाहिए और पदवीधर भली भांति इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं समझता हूँ कि फ्लोटिंग वोट जो उनके अगेंस्ट में वो मेरे फेवर में जाएंगे और जो मेरी पोटेंशियल को असेस करते हैं, मेरा जो पिछले 10 साल का कार्यक्रम, मेरी समाज सेवा है, मेरा पॉलिटिकल करियर है, मेरा एकेडमिक करियर, उसको मद्देनजर रखते हुए जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन संगठनों ने, जिन जिन पक्षों ने मेरे को समर्थन घोषित किया है, मेरे को लगता है उनकी ताकत बहुत ज्यादा है और मेरे को इलेक्शन में चुनाव जीतने के लिए काफी आपने कहा कि फ्लोटिंग वोट आपके पक्ष में आएंगे, फ्लोटिंग वोट है जो पिछले बार रंजीत पाटिल के साथ में थे, जो रंजीत पाटिल के थे अब वो विरोध में हो गए, उसके वोट आपको क्यों मिले? और भी तो उम्मीदवार है ना, वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं मिले, आपको क्यों मिलेंगे उसमें वोट? बिल्कुल बराबर, संजय खोड़के भी बहुत सक्षम दावेदारी है उनकी, क्यों नहीं उनके तरफ कन्वर्ट होंगे? संजय खोड़के जी का बारे में वो ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, पर कांग्रेस नियर अबाउट अभी एक डब्बे में जमा हुई पार्टी सेंट्रल में, स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में हुई है, कांग्रेस को अभी उभर के आने के नहीं, लिए। आप दो बात कर रहे हैं, पहले आप कह रहे कि ये आप सुनिए मेरी बात की, सुन तो लीजिए, कांग्रेस की पार्टी क्यों, कांग्रेस का आपने रेफरेंस किया संजय खोड़के का, संजय खोड़के के मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं खोड़के की बात कर रहा हूँ। हाँ, खोड़के जी की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए सब अपक्ष लोगों की बात, पार्टी का उन्होंने समर्थन लिया है, उस पार्टी का अभी नेतृत्वहीन पार्टी करके लोगों ने उसको समझ भली बात समझ लिया है, इसलिए उनके जो बेसिक वोट से उनको तो मिलने हैं, पर इस आदमी की जो कंट्रीब्यूशंस रहा है पॉलिटिकल सेट में और जिस तरह का उनका बिहेवियर बाकी पार्टियों के साथ रहा है, मेरे को पूरी पूरी खाती है कि शहर के उन्हीं के पार्टी के काफी लोग ताकत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो सोचने का ढंग है वो आदमी के तौर, और क्योंकि उनको मालूम है कि ये फ्लोर एक अच्छे आदमी के लिए बना हुआ है और उसमें माननीय संजय खोड़के जी शायद फिट नहीं होते, इसलिए उन्होंने उनके पार्टी के जो काफी सारे लोग आमदार लोग है, संगठनात्मक लोग मेरे साथ जुड़े हुए, जिन पार्टी से पहले बिलोंग करते थे नेशनल एनसीपी से, उन पार्टी के अंदर होने वाला जो ताकत से उनका विरोध है, मेरे को लगता है वो भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं और इसीलिए शायद उन लोगों का मेरे प्रति बहुत ज्यादा झुकाव और वो भी आज मेरे साथ ताकत से काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है दो बड़े विरोध, उनके अंतर्गत विरोध होने के कारण उनकी दावेदारी भी बहुत सक्षम है, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। और जहां तक कि मेरा प्रवास है, मैं देख रहा हूं कि माननीय खोड़के साहब का जो एक्सटेंशन है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो अमरावती शहर के ज्यादा से ज्यादा 10-15 किलोमीटर की पेरीफेरी के बाहर मेरे को उनकी उपलब्धि दिखी नहीं है, सिर्फ फ्लेक्स और होर्डिंग के माध्यम से उपलब्धि दिखी है। मैं 15 साल से पूरा मतदार संघ घूम रहा हूँ, रोजाना रोज 300-400 किलोमीटर का प्रवास करता हूँ, मैं वोटर तक जाके उनको मेरा अपना जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा जो उद्दिष्ट है, जिस विजन के साथ मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक वैद्य के क्षेत्र में मैं एक इमिनेंट डॉक्टर होने के नाते काफी लोगों को मेरे बारे में जानकारी है और मेरा जो रुग्ण परिवार है, उनके रिलेटिव्स है, वो काफी दिनों से मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे लगता है मेरी वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने अपने लेवल पे वो अपने अपने जगह अच्छी तरह से काम करें, उसके रिजल्ट अपने को बैलेट बॉक्स में निश्चित तौर पर दिखेंगे। आपने बताया कि जैसे अभी बात कर रहे थे नेतृत्व की पार्टी की, खोड़के साहब जहां जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जिस पार्टी का समर्थन है, वहां नेतृत्व नहीं है, नेतृत्वहीन है, आप ऊपर के कांग्रेस की पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं सेंट्रल और स्टेट, आपके पास तो सब कोई नेतृत्वहीन है, आपका खुद का ही नेतृत्व है, फिर कैसे आप मैनेज करूं, कैसे करूंगे फिर? नेतृत्वहीन जब कोई ब्रांडेड पार्टी का विषय आता है तो लोग देखते कि इस पार्टी का नेतृत्व क्या है, उस एंगल से देखा जाता है कि वह ये कौन से पार्टी को बिलोंग करता है, उस पार्टी की विचारधारा क्या है, उसका लीडर कौन है, उनके मैनिफेस्टो क्या है, इसलिए उसमें नेतृत्व का सवाल उठता है। जब विधान परिषद का सवाल आता तो है या लगता है कांग्रेस की विचारधारा खत्म, विधान परिषद का जो इश्यू होता है उसमें कोई नेतृत्व को प्रायोरिटी नहीं, कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाती, उसके बाद जो पार्टी का बैनर लेके इस मैदान में कूदे उनको कैंडिडेट छोड़ के पहले पार्टी का स्ट्रक्चर देखते, उसके बाद कैंडिडेट को देखा जाता है। यानी फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, पार्टी का स्ट्रक्चर अच्छा है तो उसको फायदा हो सकता है, एग्जैक्टली, यदि पार्टी का स्ट्रक्चर बराबर नहीं कैंडिडेट को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि माननीय खोड़के साहब के जो फ्लेक्स लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए, काफी सारे लोगों का उसमें प्रेजेंस ही नहीं है, गिने गिने 4 लोगों को उन्होंने मान्यता दी हुई है और इसके कारण जो बड़ी पैमाने में उनके अगेंस्ट में नाराजगी, वो एक बड़ा इशू है जो लोग मेरे साथ डिस्कस करते और शेयर करते हैं, इसलिए ये बड़े इश्यूज होते हैं पार्टी लेवल पे लड़ने के लिए। यानी आपको जो वोट बैंक तैयार हो रहा है, जो अभी दो सामने सक्षम दावेदार नजर आ रहे हैं, रंजीत पाटिल, दावेदार सक्षम मत कहिएगा प्लीज, नहीं अभी तो जब तक सब कोई हारते नहीं, जब तक सब सभी ने सक्षमता से आधार, सक्षमता वो क्लेम कर सकते, इतने बड़े मतदार संघ में कोई भी खड़ा है साहब, हर आदमी अपने आप को सक्षम बना रहा है, क्योंकि वार्ड का इलेक्शन नहीं है, ये है
मैं दावेदारी आपको सक्षम है, आपको इस शब्द का नहीं, खंडन करने के दावेदारी लिए, दावेदारी सक्षम नो, है, दावेदारी सक्षम वो है। सक्षम उम्मीदवार खुद कह सकता है, आप उसको सक्षम सर्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं उम्मीदवार बोल हम सकता तो हूं मैं जो सक्षम, सारी आप जो बोल रहे हो ये बातें, दूसरे जो बोल रहे हैं सक्षम दावेदारी इनकी दिख रही है वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से सक्षम दावेदारी है, ठीक है, आपके मतदार संघ में नहीं कांग्रेस पार्टी तो इस पिक्चर में थी, इस ख्याल में थी कि शायद उनको इस क्षेत्र में उनका काम ही नहीं है, इसलिए उम्मीदवार ही नहीं डाला जाए, पर उन्होंने उम्मीदवार डाला है वो अपने। कांग्रेस से ब्रेक में वापस आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले आरोप प्रत्यारोप पार्टी घर राजनीतिक राजनीतिक लोग इस पर चर्चा चल रही थी, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि नया उम्मीदवार कोई भी होता है वह जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट होता है, जो वहां का कोई भी, चाहे वो इसका नगर सेवक का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, खासदार का चुनाव हो, तो पुराने लोगों ने जो काम नहीं किया उनको कि ये काम नहीं किया ये बोल के वोट मांगने की कोशिश करते हैं। ये वो कोशिश कितनी सफल होती, कई जगह सफल होती है, कई जगह नहीं होती। काम की निष्क्रियता अक्सर ऐसा होता है कि जो काम नहीं किया वही गिना जाए, तो काम किया उसकी लिस्ट कभी भी विपक्ष के पास या दूसरे पार्टी के पास नहीं होती। लेकिन क्या सही में ऐसा होता है कि काम नहीं किए, बात काम करने की तो मतदार संघ के काम करने की, कई बार दूसरी जिम्मेदारी हो जाती आती है तो उस समय मतदार संघ की तरफ हो सकता ध्यान चुक जाए, क्योंकि एक घर की जिम्मेदारी और एक पूरे शहर की जिम्मेदारी में फर्क होता है। ऐसे समय किस प्रकार दूसरे उम्मीदवार अपने बारे में, क्योंकि उनको भी काम करना होता है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन डॉक्टर साहब के पास में भी क्या विजन है कि वो भी काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या 6 साल बाद फिर कोई दूसरा उम्मीदवार उनको बोलेगा कि डॉक्टर साहब को ऐसा किया था, इन्होंने तो ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, अक्सर हमने देखा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, जबकि यह पक्ष आप कहते हो कि अराजकीय, लेकिन राजनीति यहां पर भी नहीं छूटती है। ठीक है, उन्होंने किया नहीं किया, आप इस मतदार संघ में क्या करना चाहोगे, क्या मतदार संघ का नाम का अस्तित्व भी बाद में रहता है? अतिशय महत्वाचा प्रश्न विचारला। प्रत्येक मतदार संघामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची भूमिका त्या आमदाराच्या प्रति अभिप्रेत असतो। प्रत्येक विभागामधून काही विशिष्ट गोष्टी करायच्या असतात, त्याचा जो ढाचा आहे तो निश्चित झालेला असतो की शिक्षकांसाठी हे करायचं आहे, विद्यार्थ्यांसाठी करायचं आहे, इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट असो, पाण्याच्या समस्या असो, या सगळ्या गोष्टींचे प्रश्न हे निश्चित फिक्स झालेले असतात। नवीन उपक्रम फक्त 5 ते 10% प्रमाणामध्ये वेळेवेळेनुसार राबविले जातात। ज्या प्रकारे एखादा विद्यमान आमदार त्या क्षेत्रामध्ये काम करतो त्याची गोळाबेरीज केली जातं की या 10-15 गोष्टींची आम्हाला आवश्यकता होती, तुम्ही आम्हाला एक कमिटमेंट दिली, त्यातल्या फक्त 2 गोष्टी झाल्या, 4 गोष्टी झाल्या, 6 गोष्टी झाल्या, जितक्या जास्त गोष्टी पूर्ण होईल तेवढा तो सक्षम उमेदवार परत इलेक्शनमध्ये ताकदीने मांडण्या करतो की या सगळ्या गोष्टी मी केल्यात। जेवढ्या कमी गोष्टी केल्या राहील त्याच्या विरोधामध्ये हा सगळा मोठा जनक्षोभ उभा राहतो की तुम्ही आम्हाला करायचे आमिष दाखवलं होतं किंवा वचनबद्ध होते, तुम्ही काही केलं नाही। हे इलेक्शनमध्ये प्रत्येक व्यक्तीसाठी अप्लिकेबल आहे। जो कोणी इलेक्शनमध्ये उतरतो त्याला आपण अँटी इन्कम्बन्सी म्हटला जातो। नवीन नवीन उपक्रम ज्याला आपण एंटरप्रेन्योरशिप म्हणतो, हे बुद्धिवान लोकांचं काम आहे, ते नवीन नवीन प्रयोग करतात, त्यांची विचारधारा सुद्धा वेगळी असते। मला असं वाटतं हा जो अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर हा प्रत्येकासाठी लागू असल्या कारणामुळे तशाच प्रकारचा यावेळेस एक यांच्या विरोधामध्ये विद्यमान आमदारांच्या विरोधामध्ये मोठ्या प्रकारचा आक्रोश आहे आणि त्याचा सुद्धा मला निश्चितचपणे फायदा घ्यावा लागेल। मी जे म्हणतो की मला काय करायचं आहे, तेव्हा हे ज्या गोष्टी झाल्याने ह्यात इथपासूनच सगळ्यात पहिली सुरुवात होतं की शिक्षकांसाठी काय करणार आहे ते केलं पाहिजे, विद्यार्थ्यांसाठी काय करणार आहे केलं पाहिजे। मी आता संक्षिप्त जर तुम्ही मला जर परवानगी द्याल तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मी माझी टिप्पणी करतो आणि या गोष्टी कराव्या लागतील। नवीन काय उपक्रम करावे लागतील हे अतिशय महत्वाच्या गोष्टी मला असं वाटतं। राहिला प्रश्न की ज्या अपेक्षेने आपल्याला पदवीधर मतदारसंघामधून उमेदवार निवडून जातो त्याची बघण्याचा दृष्टिकोन हा अतिशय फार मोठा व्यापक असतो, त्याला 5 जिल्ह्याची जबाबदारी आहे, त्यामुळे त्याचं जे अनुदान आहे ते कोणत्या क्षेत्रामध्ये त्याने लावावं आणि कोणाला द्यावं हा सगळ्यात पहिला महत्वाचा विषय। एखादा व्यक्ती निवडून आल्यानंतर मंत्री झाला असेल आणि त्या मंत्रिपदाच्या कोट्यामध्ये येणारं अनुदान जर त्यांनी रस्त्यासाठी नाल्यांसाठी खर्च केलं असेल तर ती त्याची उपलब्धी नाही, ती त्याची जबाबदारी होती। त्या ठिकाणी कोणताही मंत्री असतं त्यांनी केलं असतं। माननीय रणजित पाटलांनी जे बुकलेट्स काढलेले आहेत त्यात लिहिलं की या रस्त्याला 2 लाख रुपये, त्या पोलला 5 लाख रुपये, या पुलाला, हे काही त्यांची पदवीधर आमदार म्हणून उपलब्धी नाही, तर ते एक न्याय शहर विकास मंत्री म्हणून त्यांना जे करायचं होतं ते त्यांनी केलं। मला त्याच्या बाबतीत फारसं बोलायचं नाही। आमचा जो मतदारसंघ आहे स्पेशली या विदर्भामध्ये असल्याकारणामुळे या समस्या अतिशय ज्वलंत समस्या आहेत।
जेव्हा बॅकलॉग नावाचा शब्द प्रचलित झाला होता केळकर समितीच्या माध्यमातून आणि त्याला फार मोठ्या प्रमाणात माननीय बीटीभाऊ देशमुखांनी लोकांपर्यंत पोहोचवला होता की बाबा बॅकलॉग म्हणजे काय आहे, कशा कोणत्या कोणत्या क्षेत्रामध्ये आहे. बॅकलॉग लोकांना पहिले समजायचं नव्हतं, कदाचित त्यांचं स्पेलिंग अनेक लोकांना माहीत नसेल, पण ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा अनपढ लोक विचारायला आमचा बॅकलॉग आहे, आमचा बॅकलॉग आहे. बॅकलॉग म्हणजे बेसिकली तुम्हाला जे अभिप्रेत आहे, जे अपेक्षित आहे, तुमच्या वाट्याला जे येणार आहे ते तुम्हाला मिळायला पाहिजे त्याला, आणि ते जर मिळालं नसेल तर किती प्रमाणामध्ये तुम्हाला कमी मिळालं, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड बॅकलॉग. माननीय श्रीहरी अणे साहेबांनी त्यांच्या विदर्भ गाथामध्ये अतिशय सुंदर प्रकारे नऊ खंडामध्ये त्यांनी यांचं डिस्क्रिप्शन केलेलं आहे की ह्या नऊ भागामध्ये विदर्भाचा अतिशय मोठ्या प्रमाणात बॅकलॉग निर्माण झालेला आहे आणि त्यासाठी जबाबदार त्यांनी राजकीय विचारधारा किंवा राजकीय शक्तींना त्यांनी म्हटलंय की यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन जी आपल्याला उपेक्षा राजकीय प्लॅटफॉर्मवरून झाली असल्या कारणामुळे ही त्यांच्या त्यांनी कोणती या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम न केल्यामुळे इथला जो निधी शिल्लक राहिला होता जो बेसिकली अलॉट ऑलरेडी फंड याच्यामध्ये होतो बजेटमध्ये होतो पण तो शिल्लक राहिला राहतो तो वापरला जात नाही त्याचं नियोजन होत नाही तर तो पळवला जातो दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये. पश्चिम महाराष्ट्राच्या लोकांनी संयुक्तपणे कोणत्याही पक्षाची त्यांना त्यांनी बांधिलकी न ठेवता सगळ्यांनी आक्रमण करून तो सगळा निधी पळवला आणि आपला विदर्भाचा बॅकलॉग निर्माण झाला आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही बघत असाल की अनेक क्षेत्रामध्ये आपण मागासलेलो आहोत. पश्चिम महाराष्ट्राचं इरिगेशन बघाल तर 104% पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे वाजवीपेक्षा जास्त इरिगेशन तिथे झालेलं आहे. तिथला चार हेक्टरवाला किंवा 4 एकरवाला शेतकरी आज 4 चाकाची गाडी घेऊन फिरतोय. आमच्या भागातला 40 एकरचा शेतकरी आत्महत्या करतोय, केवढी मोठी विसंगती आहे याच्यावर निश्चितचपणे मला आपली भूमिका ताकदीने मांडावं लागेल की आमच्या शेतकऱ्यांनासाठी असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी, त्यांना लागणारं बाजारपेठ, त्यांना लागणारं पाणी, त्यांना लागणारी वीज ही योग्य त्या प्रमाणात मोफत भावामध्ये आणि हवी भावामध्ये त्यांना मिळायलाच पाहिजे. स्वामीनाथन कमिटींनी ज्या प्रकारचे रिकमेंडेशन दिलेले आहेत त्याची तात्काळपणे शेतकऱ्यांसाठी अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, त्यासाठी लागणारा लढा मी उभा करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करेल. दुसरा विषय तो पदवीधारकांचा जे आमचे विद्यार्थी शिक्षित आहेत, ग्रॅज्युएट झालेले आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएट झालेले आहेत, त्यांच्यासाठी लागणारा रोजगार या भागामध्ये उपलब्ध नाही आहेत किंवा त्यांना लागणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेकरता अनेक विद्यार्थी आहेत. जवळजवळ 2 लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थी, मी माझं जे निरीक्षण आहे या क्षेत्रामध्ये मी अनेक दिवसापासून काम करतोय, विद्यार्थ्यांच्या चळवळीमध्ये आहेत, मी बघितलं की जवळजवळ 2 लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थी स्थानांतरित झाले आहेत. पुण्याला राहतात, कुणी बंगलोरला राहतात, काही जण दिल्लीला आहेत, काही नाशिकला आहेत, काही नागपूरला आहेत, काही मुंबईला आहेत. स्पर्धा परीक्षेमध्ये त्यांना जे ट्रेनिंग मिळायला पाहिजे ती आपल्या इथे युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर मिळत नसल्या कारणामुळे त्यांना कोणत्या तरी फॅक्टरीमध्ये पुण्याला जाऊन काम करावं लागतं. दिवसभर काम केल्यानंतर थकल्यानंतर रात्रीच्या शाळांमध्ये ते प्रवेश करतात, घेतात, फार मोठी फी द्यावं लागतं आणि मग कशा तरी प्रकारे धडपड करत असतात आणि त्यांचा सक्सेस रेट फक्त 20% आहे. त्यातले जे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स आहे, आयएएस आहे, आयपीएस आहे, एमपीसीच्या परीक्षा आहेत, फक्त 10-20% लोक क्वालिफाय करतात. अगेन्स्ट दॅट पुण्याकडची लोक आहेत, मुंबईकडची लोक आहेत, 80-70% लोक क्वालिफाय करतात. बेसिकली हा बुद्धीचा फरक नसून आम्हाला आमच्या पोटाची खळगी पहिले भरावी लागतात, त्यानंतर आम्हाला खळगी भरल्यानंतर काही पैसे घराला पाठवावे लागतात आणि त्यानंतर आम्हाला अभ्यासासाठी ते खर्च करावे लागतात. त्या अनुषंगाने आमच्या स्थानिक पातळीवरच्या लोकांचा, विदर्भातल्या लोकांचा सक्सेस रेट कमी आहे. मला असं वाटतं अशा ज्या योजना आहेत शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून शासनातर्फे त्या राबविल्या जाव्या आणि स्पर्धा परीक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात ग्रंथालयांची निर्मिती आणि इमारतींची निर्मिती आणि अशा प्रकारचे शिक्षण क्षेत्र आपल्याला उभे करावे लागतील. आपल्याकडे फार मोठ्या प्रमाणात इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत, मेडिकल कॉलेज आहेत, पण मेडिकल कॉलेजच्या ऍडमिशनच्या बाबतीत तुम्ही जर बघाल तर आपल्याला प्रमाणबद्ध सीट सुद्धा आकारण्यात आलेल्या नाहीत. 30-70% जो कोटाची जी विषमता आहेत, तुम्हाला बघितलं असेल की अनेक लोक आजकाल जळगाववरून आपल्या विद्यार्थ्यांना, आपल्या मुलांना पालक लोक ऍडमिशन करून तिथून परीक्षा देतात, जेणेकरून त्यांना त्या 70% कोटामध्ये किंवा आउट ऑफ विदर्भ म्हणजे आउट ऑफ वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र ज्याला म्हणतो त्या कोटामध्ये त्यांना ऍडमिशन मिळेल आणि त्यांना मिळणारी मार्क आमच्या विदर्भातल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी असताना सुद्धा त्यांना ऍडमिशन मिळते. तर हा ऍडमिशनचा घोळ मला पहिले प्राथमिकतेने मला असं वाटतं समाविष्ट नष्ट करावा लागेल आणि त्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात मला काम करावं लागेल. विद्यार्थ्यांसाठी जी रोजगार आपण हमी म्हणतो, ज्या इंडस्ट्रीज आपल्या इथे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून किंवा शासनाच्या माध्यमातून आणल्या जात आहेत त्या बेसिकली कॉम्प्युटर बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इंडस्ट्रीज आहेत. तिथे फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. 100 माणसांचं काम 5 माणसं करतात. आम्हाला अभिप्रेत आहे
रोजगार, त्यानंतर इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स. ज्या प्रकारे आमच्या इथली विद्युत वापरल्या जाते, ज्या प्रमाणात आपल्या इथलं पाणी वापरल्या जातं, त्या प्रमाणामध्ये आमच्या इथल्या विद्यार्थ्यांना तिथे रोजगार मिळत नाही. तर अशा प्रकारच्या इंडस्ट्रीज डिसेंट्रलाइज करायच्या, ज्यांचं रोजगाराच्या निर्मितीसाठी फार मोठं योगदान राहील. आणि ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इंडस्ट्रीज आहेत किंवा ज्या कम्प्युटर बेस्ड इंडस्ट्री आहेत, त्या तुम्ही मेट्रो सिटी किंवा मोठ्या ठिकाणी मायग्रेट करा. या उद्दिष्टाने आपल्याला त्यांना काहीतरी बौद्धिक त्यांचं घ्यावं लागेल. आणि मला असं वाटतं असे रोजगार निर्मिती उपकेंद्र आपल्याला उभे करावे लागतील. त्यापेक्षा मला अजून समोर जाऊन सांगावं असं वाटतं की विदर्भातली खेडी जी आहेत, एके काळामध्ये त्याला आपण सोन्याचं कुराड म्हटलं जात होतो किंवा विदर्भातली खेडी सुजलाम सुफलाम होती. आजच्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही बघत असाल की तरुण वर्ग हा मोठ्या शहरामध्ये मायग्रेट झालेला आहे, म्हातारी उतारे फक्त लोक तिथे आहेत, खेडी उदास होत चाललेली आहेत. यांच्या उदासीनतेकडे बघून यांचा जो प्रकारचा सध्या जो बॅलन्स आहे, शहर आणि खेडीच्या भागाचा जो बॅलन्स बिघडत समतोल बिघडत चालला असल्या कारणामुळे तिथे फार्म बेस्ड शेतीच्या उत्पादनातून निर्मित होणारे जे प्रॉडक्ट्स आहेत, त्यांचे रिप्रोसेसिंग युनिट किंवा त्यांच्या वेस्टवर होणारे इंडस्ट्रीज आपल्याला मायग्रेट कराव्या लागतील. आणि अशा प्रकारच्या इंडस्ट्रीजला आपण इथे प्रमोशन्स करायला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला शासनाला काहीतरी मार्गदर्शन द्यावं लागेल, अभ्यासपूर्वक मार्गदर्शन द्यावं लागेल. तिसरा अतिशय अजी महत्वाचा विषय आहे की आमचा जो बॅकलॉग आहे रोड अँड ट्रान्सपोर्टचा, प्रत्येक क्षेत्राचा जो विकास असतो हा त्याच्या दळणवळणावरून अवलंबून असतो. तुम्हाला माहिती आहे, एक अमेरिकन मोठ्या प्रेसिडेंटनी वाक्य म्हटलं आहे, अमेरिका इज ग्रेट नॉट बिकॉज द पीपल आर ग्रेट, रेव्हेन्यू इज ग्रेट, इट्स ओनली ग्रेट बिकॉज द ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस इज ग्रेट. तिथले रोड चांगले असल्या कारणामुळे, दळणवळण यंत्रणा फार चांगली असल्या कारणामुळे अमेरिका हे महासत्ता झाली आहे. अशाच प्रकारचं वाक्य जर आपल्या भागामध्ये तुम्हाला विकास करायचा असेल, तर निश्चितपणे तुमची रोड कंडिशन, ट्रान्सपोर्ट जे आहेत ते चांगले असायला पाहिजेत, गावखेड्यापर्यंत पुलं बांधली झाली पाहिजेत, रस्ते बांधली झाली पाहिजे, आणि त्यांच्यासाठी बाजारपेठा सुद्धा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांचे जे आत्महत्यांचं प्रमाण आहे तुम्ही बघत असाल की दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी एक स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, सोबतच त्यांना बाजारपेठ, त्यांना गॅरंटीड बियाणं मिळालेच पाहिजे, जे त्यांचे अधिकार आहेत. 100 बिया टाकल्यानंतर त्यातले जर 50 बिया जर उगवत असतील, फक्त झाडं उगवत असतील, तर मला असं वाटतं शेतकऱ्यावर झालेला अन्याय आहे. त्यामुळे ऍश्युअर्ड त्यांना जे बी बियाणं लागतं हे सरकारची जबाबदारी, तिथे द्यायला पाहिजे. दुसरं अतिशय महत्वाचा विषय मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ज्या क्षेत्रामध्ये मला जास्त ज्ञान आहे किंवा मी जी डिग्री मिळाली, डीएम नावाचं माझं क्वालिफिकेशन आहे, एक अतिउच्च डिग्री आमच्या क्षेत्रामध्ये, त्यापेक्षा अजून कोणत्या मोठ्या प्रकारचं क्वालिफिकेशन नाही. त्या क्षेत्रामध्ये जर तुम्ही बघाल, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये बघाल, तर मला असं वाटतं तीन गोष्टींमध्ये मला प्रामुख्याने कॉन्सन्ट्रेट करावं लागेल. अंत्योदयापर्यंत ॲश्युअर्ड हेल्थ सर्व्हिसेस, ॲश्युअर्डचा शब्द असा की त्या त्या क्षेत्रामध्ये लागणाऱ्या हेल्थ सर्व्हिसेस त्यांना मिळाल्याच पाहिजे. उदाहरणार्थ ग्रामीण भाग आहेत, शेतकरी आहेत, त्यांना स्नेक बाईटसाठी ट्रीटमेंट मिळायला पाहिजे, त्यांना पॉइजनिंगसाठी ट्रीटमेंट मिळायला पाहिजे, त्यांना छोट्या मोठ्या ज्या इंजुरीज होतात त्यांच्यासाठी त्या त्या सेंटरवर, पीएससीवर ह्या सर्व्हिसेस असायलाच पाहिजेत. मी तिथे काही मोठ्या मोठ्या सर्जरीज करा म्हणा, फ्रॅक्चरचं ट्रीटमेंट करा म्हणणार नाहीत. सेकंडरी ट्रीटमेंट ही स्थानिक म्हणजे जिल्हा पातळीवर असायला पाहिजे, जिथे चांगल्या प्रकारचे ॲश्युअर्ड इन्व्हेस्टिगेशन्स, कारण आजकाल या क्षेत्रामध्ये इन्व्हेस्टिगेशनवर खूप जास्त पैसा खर्च होतो, त्यामुळे इन्व्हेस्टिगेशनची जी क्वालिटी आहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलमध्ये, रुरल हॉस्पिटलमध्ये चांगल्या प्रकारे असायला पाहिजे, जेणेकरून वारंवार त्या तपासण्या करण्याची आणि तपासण्या करण्याकरता शहरी भागामध्ये प्रत्येक रुग्णांना येण्याची आवश्यकता पडू नये, त्या क्वालिटी सर्व्हिसेस इम्प्रूव्ह करण्याची आवश्यकता आहे. थर्ड सेगमेंट आहे टर्शरी रेफरल सेंटर, म्हणजे असे सुपर स्पेशालिटी सारखे जे हॉस्पिटल्स आहेत, जिथे अद्ययावत सुविधा आता उपलब्ध होत चाललेल्या आहेत, पण त्यांचा जो काम करण्याचा स्पीड आहे तो अतिशय कमी असल्या कारणामुळे तिथे लागणारे जे तज्ज्ञ डॉक्टरांची चमू, तज्ज्ञ असिस्टंट स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, ते नियुक्त झाला पाहिजे, आणि त्या अनुषंगाने सगळ्या ग्रामीण भागामधल्या लोकांना ह्या सर्व्हिसेस मिळायला पाहिजे. अतिशय खात्रीपूर्वक अजून तुम्हाला सांगू इच्छितो की वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये वावरत असताना नुसत्या गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीजच्या व्यतिरिक्त आमच्यामध्ये, आमच्या सगळ्या लोकांमध्ये एक असा क्लास आहे जो सरकारी रुग्णालयामध्ये जायला तयार नाही, ज्यांना फक्त प्रायव्हेट हॉस्पिटलच्या सर्व्हिसेस पाहिजेत. अशा लोकांसाठी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटलची निर्मिती आज अमरावती आणि अमरावती मतदारसंघामध्ये व्हायला पाहिजे. त्याचा इनिशिएटिव्ह मी घेऊ शकतो की एक तज्ज्ञ डॉक्टर होणे नात्याने एखादी लीजवर सरकारी जमीन असेल, ती जमीन जर एका विशिष्ट 10 ग्रुपच्या डॉक्टरना मी जर अलॉट करून देण्यासाठी जर काही मध्यस्थी केली, तर 10-20% लोकांना तिथे मोफत सर्व्हिसेस मिळू शकतात. आणि एक उच्च प्रकारचं चांगल्या प्रकारचं हॉस्पिटल निर्माण करून जे धनाढ्य लोक आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा सुविधा उपलब्ध केल्या जाऊ शकतं. पण याच्याकडे सगळ्यात मोठा जो निवेश लागतोय तो आहे जागेचा, आणि अशा अनेक लीजच्या जागा या शहरामध्ये आहेत जिथे आपल्याला अशा प्रकारची चांगली केंद्र उपलब्ध करता येईल. तर हा बेसिकली एक वैद्यकीय क्षेत्राचा विषय आहे, दळणवळणाचा विषय आहे, कृषीचा विषय आहे, इलेक्ट्रिसिटी, ॲश्युअर्ड इलेक्ट्रिसिटी, आपण कॅशलेस करन्सीच्या मागे धावतो आहेत,
पण तुम्ही बघत असाल आता आम्ही 5 जिल्ह्याचा प्रवास करतो, दर 10 किलोमीटरला आमचा मोबाईल टॉवर संपतं, आम्हाला हे मिळत नाही, कव्हरेज मिळत नाहीत. तर हे कव्हरेज मिळत नसताना तुम्ही कॅशलेस करन्सीचे विषय करताय म्हणतात, तर मला असं वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये कॅशलेस करन्सी स्मार्ट सिटीच्या मागे धावण्यापेक्षा एक अद्ययावत सुजलाम सुफलाम शहर, सुजलाम सुफलाम आणि चांगला सलोख्याच्या शहर आणि ग्रामीण भागाचा विकास, सर्वसमावेशक विकास करण्याची आवश्यकता आहे, रादर दॅन गोईंग फॉर ओनली फॅनॅटिक प्रपोजल्स की स्मार्ट सिटी कर. मी तुम्हाला 2 वर्षापूर्वीचा इंटरव्ह्यू सांगितलं होतं की अमरावती ही काही स्मार्ट सिटी होणे नाही आहे, कारण त्यासाठी लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण प्रोव्हाइड करू शकत नाही. त्या अनुषंगाने एक फाई तरी फुगे फोडू नका, आपल्याला जे आवश्यक आहे अभिप्रेत आहेत, आपल्या लोकांना जे अश्युअर्ड सर्व्हिसेस पाहिजे त्याकडे आपण कॉन्सन्ट्रेट करा, आणि त्या अनुषंगाने सातत्याने प्रेसच्या माध्यमातून मीडियाच्या माध्यमातून हा पदवीधर मतदारसंघातला जो आमदार आहे तो आपली भूमिका स्पष्ट करणार, त्याचं खंडन करणार किंवा त्याचं समर्थन करणार. म्हणून मी तुम्हाला म्हणालो की निष्पक्ष भूमिका काय असते. समजा एखादी भूमिका एखाद्या पक्षाने मांडली आणि तुम्हाला वाटतं की माझ्या समाजोपयोगी आहे, माझ्या इथल्या मतदारांच्या प्रती चांगली आहे, तो कोणत्याही पक्षाचा असो त्याचं मी समर्थन करण्यासाठी स्वतःहून समोर यायला पाहिजे. एखाद्या पक्षाने एखादी भूमिका मांडली ती त्या पक्षाच्या प्रती जर समर्पित असेल पण त्याचा जर उपयोग समाजासाठी होत नसेल त्याचं खंडन तात्काळपणे मी करायला पाहिजे. म्हणून कोणत्याही पक्षाच्या चौकटीमध्ये मी स्वतःला न बांधून घेता एक निष्पक्ष उमेदवारांना ते अपक्ष भूमिका मी बजावत आहे, त्याकरता या व्यासपीठाची निर्मिती झाली. पूरे इसमें जो आखिरी में आपने जो चार लाइन बोली है कि इस पदवीधर मतदार संघ से जो आमदार चुनकर जाता है उसका क्या काम होना चाहिए, बाकी तो सारा आपने सारी चीज सारी इंडस्ट्रीज में ला दी, आपने उद्योग इंडस्ट्रीज में ला दी, हेल्थ इंडस्ट्रीज में ला दी, एजुकेशन इंडस्ट्रीज में ला दी, रोड ट्रांसपोर्ट इसमें ला दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें ला दी, सारे के सारे काम यदि एक आमदार करते रहेंगे तो डॉक्टर साहब कहां तक सफल होते हैं. इतने सारे चीजें आपने काम बता दिए, सुनने को सबको अच्छा लग रहा होगा, क्या सही में इतने काम होंगे. इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल बहुत अच्छा तरह से आपने योग्य समय पे पूछा है. ये काम करने की जिम्मेदारी आमदार की नहीं है, हाँ. इसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी. तो आखिर की चार लाइन बता रहे जो आखिर की आपने बोला कि इस पदवीधर के आमदार का काम क्या है कि यदि कोई पक्ष यदि भूमिका रखता है और वो समाज के उपयोग में सही नहीं है या आपके मतदार संघ के लिए सही नहीं है तो उसका सही तरीके से टेक्निकल रूप में विरोध करना, यदि सही है तो वो पार्टी क्या है उसका समर्थन करना, सहयोग करना. क्योंकि मैक्सिमम दो लाइन का ये काम था. आप जितने भी अभी आमदार खड़े लंबे लंबे भाषण देके हम ये करेंगे वो करेंगे सारा करा आपने, सिर्फ दो ही लाइन बोलते थे तो शायद इतना टाइम भी शायद लोगों शायद लोगों को नहीं समझता. नहीं, नहीं, नहीं. क्यों मैक्सिमम विधेयक जो होते हैं वो विधानसभा से पारित होते हैं. मैक्सिमम विधेयक देर आर वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स और वेर आर फ्यू थिंग्स विच हैज बीन पास फ्रॉम द विधान परिषद. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली से जो विधेयक पास होते हैं बेसिकली वहां 288 लोगों का है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर वो सही मायने में काम कर रहे कि नहीं उसको अगर कोई गाइडलाइंस देनी है तो विधान परिषद करती है. उसीलिए विधान परिषद में जो आदमी जाता है वो उच्च सभा गृह का प्रतिनिधि माना जाता है, विद्वान माना जाता है और उसकी विद्वत्ता होनी आवश्यक होती है. सर्वसमावेशक उसका रीडिंग होना चाहिए, उसमें वो विजन होना चाहिए. ये बेसिकली प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, ना कि कोई पक्ष का उसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड है भाई, बहुत सारा पैसा है भाई, ये सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है. 5 लोगों ने जाके फॉर्म भरना क्या और 50,000 लोगों ने जाके फॉर्म भरना क्या. अल्टीमेटली जो 50,000 लोग जो जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए आपके उम्र वोटर्स नहीं है, ना तो उसके आपके समर्थक है या आपने भाड़े पट्टे पे लाए हुए लोग हैं. इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि बेसिकली अंकुश लगाने के लिए प्लेटफॉर्म बना है, वहां इस तरह का आदमी की आवश्यकता है. ये मेरी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये काम तो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है. पर मैं गवर्नमेंट को सतर्क करूं समय समय पर कि ये सेगमेंट में काम नहीं हो रहा है, आप कुछ करिएगा, और कुछ करना हो तो मेरे पास से आप इनपुट लीजिएगा, हमारे इसमें क्या अपेक्षित है. इस तरह का काम करने का पदवीधर आमदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी. रास्ते बनाने निकल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने जा रहा हूं शेतकरियों के, ये सब मेरे एक अकेले लेवल का बात नहीं है. पर निश्चित तौर पर इसको अच्छे तरह से दिशा देना, उसके सजेशन देना, फीडबैक देना, इनपुट देना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी आमदार. नहीं, यही हम पहले दिन से यही बोलना चाह रहे हैं कि इस ये मतदार संघ आपको वोट देने के बाद में इस मतदार संघ खत्म हो जाता है. बोलने के पीछे कि इस मतदार संघ के लिए काम नहीं है, आपको जो सरकार काम कर रही है उसको सही देना एक सलाहकार मंडल के रूप में इस विधान परिषद की है. लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पे जो भी बोलता है, जैसे आपने पहले बोला ये होगा वो होगा, रोजगारों के लिए करूंगा, बेरोजगारों के लिए करूंगा, कहां आपके पास में अधिकार है सारे सारे करूंगा. आपने नहीं सोचा, मैंने आप पूरा इसको रिव्यू करिएगा. करूंगा नहीं, करने की आवश्यकता है जिसके लिए मेरी तरफ से कुछ प्रयास होंगे. मैं एक भी वर्ड मेरे उसमें बोला नहीं.
मतदाताओं को लुभाने के लिए जो कार्य क्षेत्र नहीं है, जो काम नहीं है, जो अधिकार आपके लिए भी, इसके लिए भी आप सारे लोग मिसडायरेक्ट करें, मेरा पूरा इंटरव्यू को रिव्यू करिएगा, वो देख लेंगे आप ही के सामने वो मैं देख बता लेंगे। मैंने आपसे ये पूछा कि आप इस मतदार संघ में क्या करेंगे, तो आपने पूरा भाई ये ठीक है, आपने और लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज टू बी डन। मैं चाहता हूँ कि पूरे पांचों जिले में ग्रंथालय की चढ़वा चले, पशु संवर्धन चले, पर्यावरणवादी लोगों को प्रमोशन करे, उनके एक्टिविटी सारी आपको सरकार को सलाह देनी होगी। एग्जैक्टली होगा नहीं होगा ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली सरकार आपके विचार मानती है नहीं मानती है, सरकार इसमें लाती है नहीं, एक्चुअली आने वाले छह साल बाद उसका तो रोल ये होना चाहिए कि सरकार जो कार्य करे वो मतदार, वो हर व्यक्ति बोलता है मैं मेरे मतदार संघ की तरफ ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि मैं पहले दिन से पहली बार भी आपसे लास्ट टाइम भी जब इंटरव्यू मैंने आपको कहा साहब मतदार संघ आपको वोट देने के बाद खत्म हो जाता, फिर आप इसके पीछे लायबल कैसे, आप सरकार के साथ में लायबल हो, उसको उसके साथ में आपको वर्क करना है, उसको सलाह देनी है, क्योंकि तज्ञ लोगों का विधान परिषद होता है, इसमें से कोई भी व्यक्ति चुनके नहीं आ सकता कि भाई जिसका एजुकेशन नहीं है आप फिर आते उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना देते, जिसको डॉक्टर नहीं उसको हेल्थ मिनिस्टर बना देते, इसमें वो चीजें नहीं है। मैं से भी यही मेरा रहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडवाइजरी बोर्ड कमिटी एज गिविंग एन इनपुट टू देम डायरेक्शन टू देम, उनको इस तरह के बारे में अवेयर करें। आप ऐसा बोलो मतदान लोगों को कि भाई आपसे मेरी ये नहीं, छह साल बाद में आप पूरे साल बाद अगर महाराष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, सलाह देने की जिम्मेदारी, मंत्रालय के प्रति जिम्मेदारी, मतदारों को क्यों आप लालच देते हो? मैं लालच किसी को नहीं दिया, मैं कर रहा हूँ आपके लिए पदवीधर के लिए, आप बहुत मिसकोट कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल ही नहीं बोला, आपको फिर से चैनल से रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस पदवीधर मतदार संघ का उम्मीदवार होने के नाते या प्रतिनिधि अगर आपकी दुआ से हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर द महाराष्ट्र है, ऑल ओवर द सोसाइटी है, मैं पूरी एक सर्वसमावेशक भूमिका मेरी होनी चाहिए और मेरा भूमिका यही रहेगी, क्योंकि मेरे कैपेसिटी के बाहर, नाइदर आई एम द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, नाइदर आई एम द पार्ट ऑफ द आई विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मेरे को गवर्नमेंट के हर समय समय पे सूचकता देना है कि भाई ये दिस इज अ राइट थिंग, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अगर ये सब करने के बाद अगर कुछ चीजें नहीं होती है तो कम से कम मैं एक लेखा जोखा लेके आपके सामने छह साल बाद फिर से आऊंगा कि इस सेगमेंट में मैंने इस तरह का विरोध किया, इस तरह का समर्थन किया, गवर्नमेंट ने नहीं माना। होनी चाहिए, एग्जैक्टली प्रगति पुस्तक होनी चाहिए। क्या काम है इस मतदार संघ से चुन के आए आमदार का, आखिरी में ही सही स्वीकार किया कि क्या काम होना चाहिए? यदि इसी भावना से काम करे तो निश्चित ये मतदार संघ सलाह देने के लिए, सरकार के कामों पर नियंत्रण करने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए, लेकिन चुन के आने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है और कई लोगों का समर्थन लेना पड़ता है। एक ब्रेक के बाद में किन लोगों के समर्थन से और किन लोगों के आशीर्वाद से डॉक्टर साहब इस मैदान में कूदे, निश्चित मेडिकल क्षेत्र हर क्षेत्र में होता है, उनका भी समर्थन में होगा, लेकिन और भी राजकीय अराजकीय संगठन, कई सारे संगठन का समर्थन लगता है, क्या उनके साथ है या अकेले ही चल रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहे तो दिया कि मेरा काम आमदार का, सरकार जो काम करेंगी उसको सही अंकुश लगाने, अंकुश लगाना है, कोई गलत काम हो तो अंकुश लगाना, बिना वजह अंकुश भी नहीं लगता है। वो काम है कि जो सरकार को सूचनाएं देना, प्रॉपर करना। यदि सरकार ने आखिरी तक सही काम सब करते रहे तो फिर डॉक्टर साहब के पास क्या काम बचेगा करने के लिए? सभी बराबर होते फिर भी आपकी कुछ तो जिम्मेदारी इस मतदार संघ के प्रति होगी। इम्पॉर्टंट सेगमेंट जे आहेत ज्यात मला असं वाटतं सरकारने आतापर्यंत चांगली भूमिका घेतलेली नाही, त्यात तीन चार सेगमेंट मला आवर्जून सांगावं असं वाटतं। सगळ्यात पहिले या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रामध्ये शिक्षकांचे अतिशय हाल चालू आहेत, ज्या शिक्षकांनी मागील 65-67 वर्षात किंवा अनेक शेकडो वर्षांपासून, सांगायला हरकत नाही, एक चांगला समाज निर्माण करण्याकरता इंडस्ट्रियालिस्ट, शेतकरी, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, वकील हे सगळे त्या क्षेत्रामधून निर्माण झालेले लोक आहेत, त्या क्षेत्राचीच कंबर तोडण्याचा प्रयत्न यांचा, घाला त्यांच्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न यांचा चालू आहे, आणि संपूर्ण क्षेत्राचं इंग्रजीकरण करण्याचा यांचा आणि प्रायव्हेटायझेशन करण्याचा त्यांची जी काम करण्याची प्रक्रिया, मला असं वाटतं त्याचं खंडन करायला पाहिजे। शिक्षण आणि आरोग्य ही सरकारची जबाबदारी असल्याकारणामुळे शिक्षणाच्या प्रती त्यांची जी उपेक्षा आहे, उपेक्षित झालेला समाज आहे, त्या लोकांसाठी फार मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची सर्वात पहिली माझी प्राथमिकता राहील। मग शिक्षकांच्या नियुक्त्या असो, समाज नियोजनाचा विषय असो, दुर्गम भागातल्या शाळा असो, उर्दू मीडियमच्या शाळा असो, अल्पसंख्याकांच्या शाळा असो, किंवा अनुदानाचे प्रश्न असो, त्यांच्या रिटायरमेंटनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनचे प्रश्न असो, किंवा विभक्त कुटुंब जे वेगळ्या ठिकाणी काम करत आहेत त्या लोकांचे प्रश्न असो, हे सर्वसमावेशक शिक्षकेतर कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी हा अतिशय मोठा असा चिंतेचा विषय असल्यामुळे या सगळ्या लोकांना घेऊन
त्यांच्या मार्गदर्शनातून एक चांगला प्रकारचा ढाचा तयार करून शिक्षण प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची माझी प्राथमिकता राहील. नंबर दोन प्राथमिकता राहील की काही समाजामध्ये आपल्याला चळवळी चालवण्याची आवश्यकता आहे. ग्रंथालयाच्या चळवळी असो, पदवीधरांसाठी लागणाऱ्या ज्या गोष्टी चळवळी असो, पर्यावरणाच्या चळवळी असो, पशुसंवर्धनाच्या चळवळी त्या स्थानिक पातळीवर आपल्याला कराव्या लागतील. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबू शकतील त्याच्यासाठी आपल्याला सर्वसमावेशक भूमिका निभावून समाजाला सोबत घेऊन समाजातल्या तज्ज्ञ मंडळींना समाजोपयोगी काम करणाऱ्या एनजीओजला समोर घेऊन आपल्याला प्राथमिकतेने एक चांगल्या प्रकारचं संघटन निर्माण करून काम करण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक पातळीची कामं आहेत. मला असं वाटतं शिक्षण हा आणि डॉक्टरांचा मी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्याकारणामुळे आणि मला पूर्ण खात्री आहे की मोठ्या प्रमाणात आज माझे डॉक्टर वोटर्स आहेत. मागच्या वेळेस ती परिस्थिती शत प्रतिशत लोकांनी मान्य रणजित पाटलांना मतदान केलं आहे. दोन त्यांच्याकडे ऑप्शन्स आहेत. मी माझी व्यापकता पूर्ण पाचही जिल्ह्याची आहे. ते एका त्यांच्या जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहेत. मला फॉलो करणारा मोठा वर्ग आहे, त्यांना सुद्धा फॉलो करणारा वर्ग असेल. मी त्याबद्दल काही कमेंट्स करत नाही. पण या लोकांची जी इन्सिक्युरिटी फिलिंग्स आहेत, त्यांना जे PCPNDT ऍक्ट खाली भरगळायला चाललं आहेत, म्हणजे रेडिओलॉजिस्ट लोकांवर जे अन्याय होत चाललेले आहेत, हॉस्पिटल सिक्युरिटी ऍक्ट बद्दल जे आमच्या हॉस्पिटलवर अन्याय होत चाललेले आहेत, त्यांना प्रोटेक्शन मिळत नाही, त्यांच्यासाठी काम करायचं आहे. आणि अतिशय महत्वाचं म्हणजे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन, ज्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये होणारी ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनची संख्या आहे ती फार कमी होत चालली, कारण इथला जो ऍक्ट आहे तो डॉक्टरांच्या विरोधात आहे. त्यांच्यावर अतिशय जास्त जबाबदाऱ्या आणि आरोप केल्या जातात. त्याप्रमाणे चेन्नई आणि मद्रास सारख्या ठिकाणी जे त्यांच्यावर काम करण्याचा जो प्रकार आहे, शैली आहेत, थोडी सोपस्कर आहेत. त्यामुळे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन ऍक्टमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बदल करून त्यासाठी डॉक्टरांच्या ज्या जबाबदाऱ्या त्यांनी फिक्स केलेल्या आहेत, बेसिक जो चीज आपको लगते आणि ही पदवीधर मतदारसंघाची जबाबदारी मला असं वाटतं त्या तज्ञ लोक जो भी इसमें होंगे आपके आपके एक अजून आहे छोटा कळकळीचा मुद्दा म्हणजे क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट. या ऍक्टच्या माध्यमातून छोटे छोटे डॉक्टरांसाठी त्यांच्या ज्या कंडिशन्स टाकलेल्या आहेत की उपडी उघड्यासाठी किती जागा असायला पाहिजे, सिस्टर किती असायला पाहिजे, ऑक्सिजन असायला पाहिजे, एम्ब्युलन्स असायला पाहिजे, यामध्ये आपल्याला थोडंसं रिलॅक्सेशन करावं लागेल. कारण माझा BMS झालेला BHMS झालेला डॉक्टर जो आहे त्याला त्याची आर्थिक परिस्थिती कमी असते की या सगळ्या गोष्टींची तू पूर्तता करू शकत नाही आणि ती आवश्यकता सुद्धा नाही. त्यामुळे क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट हे चार ऍक्ट जे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये सध्या आम्हाला त्रासदायक आहेत, त्रासदायक असल्या कारणामुळे त्यामध्ये ट्रीटमेंटची कॉस्ट वाढते आणि शेवटी ही कॉस्ट पेशंटला द्यावं लागतं. त्यामुळे हा अन्याय इनडायरेक्टली ह्या पेशंटवर होत असल्या कारणामुळे या क्षेत्रामध्ये मला प्रामुख्याने लक्ष घालावं लागेल. थोडंसं इंजिनिअरिंग सेगमेंटमध्ये मी जेव्हा प्रवास करत होतो मोठ्या प्रमाणात इंजिनिअरिंग कॉलेज उघडण्यात आलेत. सुरुवातीला त्यांना डोनेशन्स मिळत होते, ऍडमिशन्स मिळत होत्या. त्यामुळे ज्या ज्या लोकांनी इंजिनिअरिंग कॉलेज पाहिजे होती त्या त्या लोकांनी इंजिनिअरिंग कॉलेज उघडले. पण मी जेव्हा प्रवास करतो आता तर मला हे कळलं की त्याचा आता ऍडमिशन्स मिळत नाहीत, डोनेशन्स मिळत नाहीत, सीट सुद्धा फुल होत नाहीत, त्यामुळे लोकांचे पगार सुद्धा दिल्या जाऊ शकत नाही. त्या आता नवीन इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या ज्या परमिशन्स आहेत त्या आता या विदर्भामध्ये थांबवल्या पाहिजेत. नवीन कॉलेज उघडणं याचा अर्थ प्रगती करतं असं होत नाही. मला असं वाटतं त्यांची अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. त्यांना पेन्शन्स नाही, त्यांना सिक्युरिटी नाही, त्यांना एश्युअर्ड वेजेस मिळत नाहीत. त्यांच्यासाठी मला काहीतरी भूमिका घ्यावं लागेल. पुण्याच्या पॉप्युलेशनच्या प्रमाणामध्ये विदर्भामध्ये जे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे फार जास्त प्रमाणात उघडल्या गेलेत. त्यामुळे आम्हाला इथे विद्यार्थी मिळत नसतानाही कॉलेज चालवायचे कसे हा एक विषय आहे. अमरावती करता एक अतिशय न्यायालयीन विषय जो माझ्या डोळ्यासमोर आला की इथे आपल्याला कंझ्युमर प्रोटेक्शनसाठी जे न्यायालय लागतं, जे खंड लागतं, त्या खंडपीठाची दर 15 दिवसांनी बैठक व्हायला पाहिजे. तिथे तो न्यायमूर्ती तिथे यायला पाहिजे. पण असे हे न्यायालय बसत नसल्या कारणामुळे लोकांना न्याय घेण्याकरता नागपूरला धावं लागतं आणि त्यासाठी जो खर्च जातो, वेळ जातो, जो वकिलांची फी द्यावं लागतं ही सुद्धा जास्त असल्या कारणामुळे न्यायालयीन कामामध्ये सुद्धा मला असं वाटतं एक रेग्युलरायझेशन करण्याची आवश्यकता. ह्या 4-5 गोष्टी आहेत त्या प्रामुख्याने मला अतिशय मला कळकळीने कराव्याशा वाटतात. अनेक कुल मिला के पदवीधर जो पदवी लेकर निकलता उसको होने वाली समस्या और उसको करने वाला व्यवसाय हो, रोजगार हो, नौकरी हो, इन चीजों को यदि कोई व्यवस्थित करना उसका सारा काम है. और आपने बहुत बड़ा विजन एक आमदार के नाते यहाँ पर रखा हुआ, अभी अमरावती के क्षेत्र में सीमित है, ठीक है, अमरावती और अमरावती के संभाग के प्रति आपकी जिम्मेदारी है ये इन सब चीजों को. लेकिन चुन के आने के लिए कहीं ना कहीं आपको समर्थन तो राजकीय पक्षों का लेना ही पड़ेगा और संगठनों का लेना पड़ेगा. कुछ संगठन राजकीय पक्ष है आपके साथ में, आप अकेले चल रहे हो? बिल्कुल बराबर है. इतना बड़ा प्रभाग है, 56 तालुका, 5 डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो काउंटिंग है उसमें 4.5 खासदार और नियर अबाउट 30 से 32 आमदारों का क्षेत्र है जी. इन सर नगर सेवक की गिनती, नगर सेवक की पंचायत समिति की तो गिनती ही नहीं कर रहा हूं मैं. इतना बड़ा क्षेत्र है, अपने अपने विचारधारा के अपने अपने पक्ष में काम करने वाले लोग हैं. मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी यही रही कि इन लोगों के साथ जाके मैं अपने डायलॉग करूं,
उनको मेरा प्रतिभावंता, मेरा अभ्यास, मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा जो उसको कन्विंस करो, कोई मैं संगठन तो लगेगा साथ में पर्सनल व्यक्ति से जाएगा। नो 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 नो, दिस इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, कोई संगठन की आवश्यकता नहीं। मेरे काफी सारे आमदार है जो कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, सेना के मन से के आज मेरे साथ जुड़े हुए, नॉट बिकॉज कि मैं कुछ 10 लोगों का जमावड़ा उनके पास लेके जा रहा हूँ, इट इज डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करूँ कि ये आदमी हूँ मैं। उनको मालूम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पदवीधर की, 2 लाख मतदार है डॉक्टर साहब, 2,10,000 मतदार लोगों के साथ मैं नहीं जा सकता हूँ, उनके साथ मेरा कन्फ्रंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जस्ट इम्पॉसिबल, 5 साल भी घूमता हूँ तो नहीं जा सकता हूँ। जहां जहां बड़े बड़े संगठन है उनके जाके मैं, मेरी जो विचारधारा जिस जो विचारधारा मैंने रखी है वो विचारधारा उनके सामने व्यक्त किया और दे आर गेटिंग कन्विंस, तो मैं समझता हूँ कि चुन के आने के लिए जो संख्या लगती है वो उनके माध्यम से मिल जाएंगी। जहां तक के जो बड़े संगठन मेरे सामने आए, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ, रिसेंटली विदर्भ राज्य आघाड़ी के एडवोकेट्स रेहरी जी ने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील हुई थी, उन्होंने पूरे 5 जिले में उनका नेटवर्क है मेरे साथ खड़ा किया है। भारी बहुजन महासंघ ने परसों के दिन समर्थन डिक्लेयर कर दिया, यूसुफ पिंजानी साहब जो अभी नगराध्यक्ष है कांग्रेस कारंजा के, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया कि इस क्षेत्र में वो ख्याल दे, और भारी बहुजन महासंघ के जो उम्मीद वोटर्स है उनकी भी संख्या आसपास 15,000 के आसपास है। इसी तरह अतिशय इंपॉर्टेंट अभी जो है शेतकरी स्वाभिमानी संगठन के रविकांत तुपकर जी से मेरे बात हुई है, उनके पदाधिकारियों से भी मेरी बात हुई, स्थानीय लेवल पे उन्होंने मेरे को समर्थन देने की घोषणा की है, वो शायद प्रेस के माध्यम से अभी तक आई नहीं होगी क्योंकि मैं जो बोलता हूँ एक सच बोलता हूँ। इस तरह का नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में निकालेंगे और उनके कार्यकर्ता मेरे लिए सक्रिय हो चुके हैं। तीसरा एक है बीएड संगठन, जो बीएड के जो स्टूडेंट्स है उनके जो प्रॉब्लम है उनको अभी रोजगार नहीं मिल रहा, वो संगठन मेरे साथ ताकत से काम कर रही है, जो वाशिम से ऑपरेट होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट आम आदमी पार्टी का जो नेटवर्क यहाँ पे है, उन्होंने मेरे साथ फॉर्म भरते समय भी थे, आज भी मेरे साथ वो काम कर रहे हैं, और उनका पार्टी है अमरावती में, या आम आदमी पार्टी के एक 400-500 वोटर अमरावती शहर में है और वो 5 जिले के मिलकर 1,500-2,000 वोटर की शायद संख्या मेरे संख्या में आ जाती है। दूसरा है उर्दू टीचर संगठन में थोड़ा सा स्प्लिट था, कुछ समय उनके कन्फ्रंटेशन चले थे कि किसको समर्थन देना है, मैं जो बोल रहा हूँ शत प्रतिशत बोल रहा हूँ, आधे लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर चौधरी को फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट देने चाहिए, आधे लोग बोल रहे थे कि माननीय खोड़के साहब को समर्थन देना चाहिए और रंजीत के कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि उर्दू टीचर संगठन अभी 2 खेमे में बिट गई, आधा खेमा मेरे साथ काम कर रहा है जो पदाधिकारी, आधा खेमा शायद कांग्रेस के विचार नीति से जुड़े हुए। मनसे के उपाध्यक्ष माननीय जो आदित्य दामले जी है, उन्होंने राज ठाकरे से बात किया है और मेरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया में अमरावती के पदाधिकारी मेरे साथ थे, उनका भी मेरे को समर्थन मिला है। रिसेंट और जो डेवलपमेंट है, अंशकालीन कुछ कर्मचारी संगठन जो मेरे साथ संपर्क में है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 और एक संगठन जिसके तरफ इन लोगों का ख्याल नहीं है, वो रिटायर्ड मुख्याध्यापक संगठन और रिटायर्ड कर्मचारी संगठन, इनका एक बहुत बड़ा ईपीएस 95 करा के एक संगठन है जो बुलढाणा से ऑपरेट होती है, पर उनका नेटवर्क पूरे 5 जिले में, वो पूरी संगठन आज मेरे साथ काम कर रही है, कोने कोने में जाके वो लोगों को अवेयर कर रही है, और मैक्सिमम लोग 25-30% इन संगठन के जो रिटायर्ड हो चुके लोग हैं वो ग्रेजुएट है और आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुख्याध्यापक संगठन जो रिटायर्ड मुख्याध्यापक संगठन है जो आज ग्रामीण भाग में मेरे साथ काम कर रही है, और उन लोगों का भी मेरे साथ आशीर्वाद है। रिसेंट डेवलपमेंट जो मेरे लिए बहुत अभिप्रेत थी, अपेक्षित थी, एक्चुअली इन लोगों का मेरे को समर्थन पहले से था क्योंकि उनके साथ मैंने कई सालों तक काम किया है, वो इंपॉर्टेंट है शिवसेना। कल का जो डिसीजन आप लोग आपके सामने आया वो जो हमारे लिए अपेक्षित था, और इसीलिए मैंने अपनी भूमिका भी उनके सामने जाके प्रकट किया था कि समय आने पे आप मेरे को समर्थन करिएगा, और आपके साथ मैं काफी दिनों से काम किया है, वो आज मेरे को पूरी गारंटी है कि शायद उनका समर्थन मेरे को मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा चेंज ओवर लाने के लिए विषय रहेगा, और कुछ ही दिनों में शायद मेरा प्रयास रहेगा कि उनके माध्यम से मेरे को समर्थन मिल जाए। जो इस पक्ष में मैंने पिछले 10 साल काम किया है भारतीय जनता पार्टी में, वो सभी लोगों को इस तरह की जानकारी है और दे आर अवेयर ऑफ इट कि 10 साल में मेरे साथ जो न्याय होना था भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है, 2 बार इस तरह के संकेत मिले थे लड़ने के लिए, मैं उसको इनकैश नहीं कर पाया, मेरे को आदेश नहीं मिला। जो महत्वपूर्ण चीज आपकी है, हर आदमी जहाँ पे भी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है करता है, सबसे पहले घर से समर्थन शुरुआत कर दिए। आपने कहीं भी मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन बोल दिया, मैंने 50% डिवीजन है, 50% डॉक्टर आज विशेष संगठन के रंजीत पाटिल के साथ है, 50% मेरे साथ है, मैं बोलूं कि 100% हो तो शायद अन्याय होगा उनके साथ। 50% लास्ट टाइम जो 95% डॉक्टर को इंडिविजुअल जैसे बाकी के संगठन के साथ, डॉक्टर के साथ बहुत बड़े और एक समय सब्जेक्ट रखता हूँ, डॉक्टरों का संगठन
उनसे जुड़े हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, दवा बाजार जी एक एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जी, जिनके मैं समझता हूँ कि पांचों जिले में मेरा काम होने के कारण उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद मेरे साथ आज जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर कई साल आप भाजपा से जुड़े रहे, कई भाजपा के समर्थन में पूरा काम किया, भाजपा से एकदम अलग हटके भाजपा के विधायक के खिलाफ आप काम करने जा रहे हैं, पिछले बार भी आपकी आपकी जानकारी जो आप दे रहे थे उसके हिसाब से आपकी एमएलसी की टिकट कंफर्म थी, आपके वाड़े से भी बहुत नजदीक के संपर्क है, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त रहा, रिश्तेदारी भी आपकी रही है, क्या वो चीज कंटिन्यू चालू है, वो क्षेत्र अलग हो गया? देखिए आशीर्वाद और रिश्तेदारी कभी खत्म नहीं होती। जिस तरह से माननीय नितिन जी गडकरी ने मेरे को आशीर्वाद दिए थे लास्ट टाइम, उनके साथ काम करने का मैं सीधी बात करता हूँ क्योंकि कोई चीज छुप के नहीं करता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, मैं उनके लिए मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श है, उनका काम करने का जो तरीका है